आप सभी का स्वागत है नुस्ता फनी के इस नए सेगमेंट में जिसका नाम है नुस्ता ज्ञान। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ऐप की जिस पर लोगों का आधा टाइम गुजर जाता है और इस ऐप का नाम है व्हाट ऐप। व्हाट ऐप? व्हाट ऐप? व्हाट ऐप? व्हाट्स ऐप? जितना घटिया यह हमारा जोक था उससे कई गुना घटिया और जिस पर हंसना क्या रोना भी ना आए ऐसे मैसेजेस इस ऐप पे आते हैं, जैसे कि ये। ऐसे मैसेज पढ़ के ना किसी की ही मॉर्निंग गुड होती हो। और कुछ बंधु लोग एक दूसरे को फूल पत्ती के बने मॉर्निंग मैसेजेस भेजते हैं जिसे देख के बड़ा ही सुकून महसूस हो, लगे जैसे ये फूल तुमसे कह रहे हो। और उस रिप्लाई में वाह वाह क्या इमेज है, गुड मॉर्निंग विद स्माइली आ जाता है। पर इस गलत फहमी में मत रहना क्योंकि आधे से ज्यादा तो डाउनलोड ही नहीं करते। और जब भी ऐसे मैसेज हमारे फोन में एंटर करते हैं तो हम सोच में ही पड़ जाते हैं, ये मैसेज करने वाला है कौन, क्या मैं इसे जानता भी हूँ। इस ऐप पे कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो अपनी कब्र से कुछ खास मौकों पर ही बाहर आते हैं, जैसे जन्मदिन, नया साल और फेस्टिवल्स। चलो ऐसे मैसेजेस को एक बार इग्नोर भी कर ले, लेकिन अगर कोई फेस्टिवल आ जाए तब तो भैया नेट बंद करके ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही तुमने मोबाइल डेटा ऑन किया हैप्पी फेस्टिवल के मैसेजेस से भरमार से फोन मर ही जाता है, दिन भर का 1 GB का डेटा झटके में खत्म। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, लोग पहले भी ऐसे मैसेजेस को इग्नोर करते थे, आगे भी करेंगे। भाई मेरे कांटेक्ट में कुछ ऐसे लोग हैं ना जो कुछ ऐसा भेजेंगे कि बचपन से आज तक पूरा होमवर्क ही लिख दिया हो, सामने वाला पढ़े भी तो कब तक, सब काम धाम छोड़कर हिमालय ही शिफ्ट हो जाए नहीं, और बस वही पढ़ते रहे 10 साल पढ़ के गुजार दे और फिर नीचे लिखा होगा रीड मोर। इससे अच्छा मैं नर्सरी के छोटे बच्चों को ना पढ़ाऊं, कम से कम ये अत्याचार तो सहना नहीं पड़ेगा। और उसी के विरुद्ध कुछ जना ऐसे भी होते हैं जो एक सेंटेंस को 10 अलग-अलग टुकड़ों में भेजेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? इतना सस्पेंस तो फेविकॉल की एड में भी नहीं होता। व्हाट्सएप पे लास्ट सीन और ब्लू टिक हाइड करने वाले किसी के सगे नहीं होते, लड़कियां जैसे इस ब्लू टिक को हॉकी स्टिक जैसा अपना हथियार ही बना लेती है, लेकिन उसके पीछे भी कहानी होती है। जैसे कि समझ लो एक लड़का और लड़की घर बैठे आराम से चैट कर रहे हैं, ये मैसेज कर रहा है वो स्माइली भेज रही है, ये स्माइली भेज रहा है वो मैसेज कर रही है, दे आर हैविंग अ वंडरफुल टाइम। तभी उसे बाबूजी का फोन आ जाता है और बाबूजी 10 मिनट तो वैसे ही क्लास ले लेते हैं। तब तक यहाँ हमारी प्रिंसेस ब्लू टिक्स एंड नो रिप्लाई देखकर गुस्से से चुड़ैल बन चुकी होती है। अब भैया तुम कितना ही सॉफ्टली सोना पिल्लू बबलू क्यों ना बोलो, लड़के को गालियाँ ही नहीं हंटर से पिटाई होनी है। अब देखो दोस्तों, हम एक समाज में रहते हैं, वैसे ही इस ऐप पर भी एक समाज बनाया जाता है, हमें अपना लीडर खुद चुनते हैं, लेकिन यहाँ वो लीडर चुन चुन कर अपना समाज बनाता है, इसे कहते हैं ग्रुप, और उस लीडर को कहते हैं एडमिन, जो दूसरों को भी एडमिन बना सकता है। और इन ग्रुप्स के नाम तो बड़े ही इंस्पिरेशनल वाले होते हैं। कुछ ग्रुप्स किसी मकसद से बनते हैं, लेकिन जैसे ही वह मकसद पूरा हो जाए वो ग्रुप भी पुरानी हवेली की तरह सुनसान हो जाता है। और किसी ने गलती से इसमें कभी मैसेज कर दिया, पुरानी यादें ही ताजा हो जाती हैं। कुछ ग्रुप्स इतने नटखट होते हैं कि उनके आए मैसेज वही के वही पढ़कर तुरंत डिलीट यानी दफन कर देने चाहिए, वरना अगर बाबूजी उन्हें देख ले तो बाबूजी ही हमें दफन कर दे। अगर अकल हो छोटी और किस्मत हो फूटी तो गलती से ऐसे मैसेज गलत जगह फॉरवर्ड हो जाते हैं और तब बंदे की गिली पीली सब एक ही हो जाती है। और जल्दी में डिलीट फॉर एवरीवन की जगह डिलीट फॉर मी हो जाए फिर तुम मजे ही आ जाते हैं। उसके बाद गुनहगार वाली फीलिंग ही हो जाती है, फैमिली
कंपनी के बड़े लोग तो उसे ग्रुप से ही क्या घर परिवार जायदाद से भी बेदखल कर देते। मन तो करता है इस दुनिया से ही एग्जिट हो जाए, लेकिन सॉरी के आगे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। अब ये टॉर्चर कम नहीं था कि इसमें स्टेटस नाम का 30 सेकंड का अफीम भी ऐड कर दिया। ये फीचर में आप अपने खुद या लोग, मित्र, यार, फ्रेंड, दिलदार, पंटर के खास खूबियों को शेयर कर सकते हैं। नहीं पर यहाँ करते क्या है शेयर? दूसरों पर निकला गुस्सा। बंदर या जैसे दांत फाड़कर वीडियोस। और या फिर दर्द भरे सॉन्ग। कैसे भूलूं तुझे, मुझे जीना है। वाह वाह वाह। अरे इसे भी जिंदगी क्या कम ले रही है जो तुम यहाँ पे दिमाग को थर्ड डिग्री देने आ गए। लेकिन वैसे नहीं करे तो हम दुनिया में आगे नहीं बढ़ जाएंगे, विकास नहीं हो जाएगा हमारा। पर कौन करना चाहता है तरक्की? हमें तो ये फालतूगिरी ही पसंद है, वरना आप तक क्यों कर रहे हो यूज व्हाट्सएप? देखो दोस्तों, लाइफ में टेक्नोलॉजी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सब्जी में कड़ी पत्ता। उसे कब, कितना, कहाँ इस्तेमाल करना हमें पता होना चाहिए। किसी ने मैसेज पढ़ा नहीं पढ़ा ये सोचने से बेटर फोन लगाओ, कॉल करो और खत्म कर दो ना मैटर। और अगर बातें करनी है तो दोस्तों से मिलकर करो यार, क्या पता वो तुम्हें हिला दे, चौंका दे और हैप्पीनेस का नया मौका दे। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई ना तो लाइक मार दो और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दो। और नीचे जो सब्सक्राइब वाला लाल बटन है उस पे दो स्माइली टिक या ब्लू टिक, बस कर दो उसे क्लिक। तो चलो यार अब हम भी जा रहे हैं, बाय। घर पड़े? अरे वो ट्रिप्स के फोटोज कहाँ है? अरे ग्रुप पे डाले, चेक करना। You have a new message.